ये बात तो सही है, लेकिन इससे बढ़कर एक बात ये है कि आप अपने भक्तों को लीला करके आनंद पहुंचाते हो और वही आनंद को लीला को गाकर आपके भक्त आपके धाम को जाते हो, इसीलिए आप आते हो। ऐसा दोस्तों हनुमान जी कहते हैं। तो हनुमान जी ने आगे कहा, अगर मेरा कोई प्राण है तो वो प्रभु श्री राम। सुंदर सुंदर बातें की भगवान ने। बहरहाल हम राम की चरण जी के जन्मदिन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन से भगवान कौशल्या जी के गर्भ में आए हैं उस दिन से भगवान को माता सुमित्रा और कैकेयी और कौशल्या जी बहुत प्रसन्न है। अब कुछ लोग यहाँ पर सुप्रश्न करते हैं कि भगवान गर्भ में आते हैं क्या? अगर भगवान है तो गर्भ में आने की क्या आवश्यकता? अब इस बात को ध्यान से सुनिए। भगवान जिस तरह के आप गर्भ में आते, जिस प्रकार हम गर्भ में आते, उस प्रकार भगवान नहीं आते। आप जब यहाँ पर उत्पन्न होते हैं तो माता को बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तब जाकर शिशु बाहर अपने जन्म लेता है। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है, हमें जबरदस्ती किसी की माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है। भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान सिर्फ अपनी माता के हृदय में होते हैं, हृदय से माता के गर्भ में और गर्भ से बाहर आ जाते हैं, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। आगे कहते हैं, इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई, हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और सुख हुआ। जिस दिन से भगवान श्री हरि गर्भ में आए हैं तब से सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई है। सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई भगवान के अंदर। आगे कहते हैं, मंदिर मोह सब राजी रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुखित कुशल चले रामा, जेही प्रभु प्रकट सो अवसर शुभ नामा। शोभाशील और तेज की खान सब रानियों का, सब रानियां महल में सुशोभित होने लगी। इस प्रकार सुख के कुछ दिन समीप व्यतीत हुए, फिर वो समय आ पहुंचा जब भगवान के जन्म के समय आ गया। अब वो समय आ गया जब भगवान प्रकट होने वाले थे। अब सुनो, भगवान के प्रकट होने के समय क्या क्या होता है? तब कहते हैं गोस्वामी, कहते हैं, योग लगन ग्रह बार तिथि सब भय अनुकूला, चर अचर हर्षित युत राम जन्म सुख मूला। आज का दिन था, आज का दिन था। तब कहते हैं, योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। योग लगन बार ग्रह तिथि सब अनुकूल हो गए।